किचन विद शेरी में आपको वेलकम खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा के फजल से, खुदा के करम से, उसकी बेबहा मोहब्बत से। तो आज शेरी की किचन में बड़ा जबरदस्त किस्म का बंद है, बीफ तवा मसाला। तो शुरू करते हैं खुदा उनके खूबसूरत और बाबरकत नाम से। तो बीफ तवा मसाला बनाने के लिए शुरू करते हैं। ऑयल जो है वो मेरे पास खाने के 4 चम्मच है, 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया था। और मैंने जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है जी, एक खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा इसको भूनते हैं, थोड़ा सा जैसे ही फ्राई होगा तो इसके अंदर जो है मेरे पास बॉनलेस बीफ बोटी है वो डाल देंगे। 1/2 kg मैंने बीफ लिया था बॉनलेस, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए, क्योंकि जो तवे पे हम जो भी बनाते हैं उसके पीसेस हमें छोटे लेने होते हैं। बीफ जब भी बनाया आप तवे पे तो उसके पीसेस छोटे लेने हैं। इसको मैंने अच्छे से पीसेस काट के इसको वॉश कर लिया है और मैंने इसको छन्नी में रख दिया था। देखिए स्ट्रेनर में डाल दिया था स्ट्रेन होने के लिए कि उसका पानी ना रहे, क्योंकि पानी होगा तो वो छिलके पड़ेंगे। तभी तवे पे आ जाते हैं। तो ये देखें बीफ का कितना ज़्यादा पानी जो है बीफ में निकाल दिया। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई होगा तो फिर इसके अंदर जो है वो मैं नमक मिर्ची ऐड करूँगी। तो हमें जो है वो स्लो फ्लेम में ही बनाना है, इसको हाई फ्लेम में नहीं बनाना, वरना आपका गोश्त जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसको जो है हमें स्लो फ्लेम पर बनाना है, इसको बिल्कुल हमें ड्राई करना है। पानी जब सूख जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं नमक मिर्ची डाल दूँगी। ड्राई हो चुका है यानी कि सूख चुका है जो बीफ का पानी था, पानी मैंने कुछ नहीं ऐड किया। तो अभी बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है कि इसके अंदर जो है मेरे पास स्पाइस हैं, घर के जो मसाले हैं वही मैं ऐड करूँगी जो रूटीन के हमारे सालन में डालते हैं हम लोग। हल्दी मैं डाली 1/4 teaspoon से भी कम मैंने हल्दी डाली है। और 1 teaspoon जो है 1 teaspoon मेरे पास चिली पाउडर है यानी कि लाल मिर्ची का पाउडर है। और 1/2 teaspoon जो है मेरे पास सॉल्ट है, जो मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया है। अभी हम इनको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं टमाटर और प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही, अदरक लहसुन का सिर्फ इसके अंदर मैं पेस्ट आपके सामने ऐड किया है। और इसमें जो है हम अभी जो है इसको बहुत ही स्लो फ्लेम में हमने पकाना है। तो अभी जो है इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड करूँगी यानी कि दही ऐड कर दूँगी। फ्लेम को जो है बहुत स्लो हमें कर देना है और दही को अच्छे से बीट कर लेना है और दही इसके अंदर ऐड कर देना। अगर आप टमाटर ऐड करना चाहते हैं, दही नहीं है तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं जो है दही में इसको बनाऊंगी। ये ज़्यादातर जो है नरान कगान वगैरह के जो घर हैं ये वहाँ की डिश है, वो लोग इसको बहुत शौक़ से बनाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो हम लोग गए थे नरान और ये डिश मैंने वहाँ पे खाई थी उनके घर पे, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा कि चलें जी आपके लिए भी ये बनाई जाए डिश, और आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल है और इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं ऐड किए मैंने। जो घर के हम लोग मसाले डालते हैं सालन में डेली की रूटीन में, वही इसमें मैंने ऐड की और बहुत ही स्लो इसको फ्लेम में हम जो है बनाएंगे। तो ढक्कन मैंने डाल दिया था और इसमें अगर आपने इसको सॉफ्ट बनाना है तो फिर आप इसके ऊपर जो है ना कवर कर दिएगा ढक्कन का। अगर आपको क्रिस्पी रखना है तो फिर आप जो है कवर नहीं रखिएगा। थोड़ा सॉफ्ट बनाना था क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट पसंद करते हैं, मेरा बड़ा बेटा खासतौर पे। तो बीफ जो है मेरे फैमिली में, मेरे लॉस में सबको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे ससुराल में सबको बहुत बहुत पसंद है। तो सब शौक से खाते हैं। तो ये देखिए बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, तभी जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। और मेरे पास लेमन है, लेमन ऐड करेंगे। लेमन मैंने जो 1/2 teaspoon ऐड किया है, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा अगर खट्टा लेना है, खट्टा बनाना है इसको, तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं जो है फ्लेम जो है मैं बिल्कुल ऑफ कर दिया। देखिए श्लिंग होके जो है
बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज हो गए हैं, तो फ्लेम ऑफ करते हैं और जो है प्लेटर में निकालते हैं, डिश ऑफ करते हैं। जैसे कि बिल्कुल ड्राई से ये बीफ के जो पीसीज है बिल्कुल ड्राई है, ये बहुत ही मज़े के होंगे, आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इसको बनाइएगा ज़रूर। जो बीफ के शौकीन हैं वो इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज शैली की किचन में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बना है जी बीफ तवा मसाला, बहुत ही मज़ेदार मसाले वाला सिंपल सा। तो आप बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया करें और बताया करें, शेयर किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, शेयर किया करें। थैंक यू जी, ओके, गॉड ब्लेस यू।